कंस्ट्रक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका वर्क अपडेट क्या है। 82 किलोमीटर लंबा, जिसमें से 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन है जो 2023 में चालू हो जाएगा और बाकी का सेक्शन 2025 तक चालू हो जाएगा। शुरुआत होने के बाद 5 से 10 मिनट में हर एक ट्रेन उपलब्ध होगी दिल्ली और मेरठ के बीच में। इस पूरे सेक्शन में आनंद विहार और बेगमपुर में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे जिसका काम चालू है। और इस पूरे 82 किलोमीटर सेक्शन का 60 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है और 50 किलोमीटर का पिलरिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है और साथ ही में 30 किलोमीटर का जो वायाडक्ट है वो बन करके कंप्लीट हो चुका है। आनंद विहार में जो अंडरग्राउंड स्टेशन बनाना है उसका टनलिंग का काम चालू हो चुका है और इसमें से 2.5 किलोमीटर का टनलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा बेगमपुर में भी अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा, बाकी सारे स्टेशन एलिवेटेड होंगे। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये आरआरटीएस का लाइन इंडियन रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। इसका वायाडक्ट भी अब बन करके कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद ये गाज़ियाबाद का स्टेशन जो मेरे सामने आप देख सकते हैं डीएमआरसी लाइन को क्रॉस करके आगे ईस्टर्न पेरिफेरल लाइन को क्रॉस करके मुरादनगर की तरफ बढ़ रही है। मार्च 2023 तक इसे कंप्लीट करना, उसके लिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और ये गुलधर का स्टेशन देख सकते हैं लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसका सारा काम हो चुका है। सारा जो पुल लगाना है इलेक्ट्रिसिटी का वो काम कंप्लीट कर लिया गया है काफ़ी हद तक। यहाँ तक आप इस वीडियो में देख सकते हैं ट्रक भी लगा दिया गया है। 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इस पर ट्रायल रन किया जाएगा। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये दुहाई डिपो है और दो डिपो बनाया जाना है इस पूरे सेक्शन पर, जो कि एक दुहाई में है और एक मोदीपुरम में बनाया जाएगा। और काम 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है जो इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। दुहाई डिपो में आरआरटीएस का ट्रेन ला के रख दिया गया है और दुहाई डिपो भी कल लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसका ऑफिस भी बन करके कंप्लीट हो चुका है जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही ट्रायल रन किया गया था, अगर नहीं देखा तो लिंक आई बटन मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते प्री का ट्रैक स्लैब है जो बना करके इसे वायाडक्ट पर लगाया जाता है। और यह उसका कास्टिंग यार्ड है जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं। और कास्टिंग यार्ड में काफ़ी मात्रा में ट्रैक स्लैब बना के रख दिया गया है और 28 किलोमीटर में जितना ट्रैक स्लैब लगेगा उतना कंप्लीट कर लिया गया है। और ये मेरे सामने देख सकते हैं आरआरटीएस का दुहाई डिपो और वहाँ पर ऑफिस, इसका भी लगभग बहुत काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो आरआरटीएस का ट्रेन सेट है वो आ चुका है और कुछ दिन पहले ट्रायल रन किया गया था। यह आरआरटीएस का ट्रेन सेट 180 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है, लेकिन इसे 160 की स्पीड में चलाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आरआरटीएस का स्टेशन मल्टी मॉडल तर्ज पर बनाया जाएगा जहां पर सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंटरलिंक होंगे, साथ ही में ई चार्जिंग पॉइंट्स कार के लिए और काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।